प्लीज साइलेंस स्टार्ट। देखो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई भी अगर अकेली रेजिस्टेंस हो, तो रेजिस्टेंस के अंदर अगर ईएमएफ की वैल्यू इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। उसी तरीके से अगर इंडक्टर हो तो ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू बोलो कितनी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो इंडक्टर में करंट पीछे होता है। और उसी तरीके से अगर कैपेसिटर होगा तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ये पॉइंट सबको क्लियर। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं, इंडक्टर की रेजिस्टेंस को एक्स एल बोलते हैं, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को एक्स सी बोलते हैं। इसका नाम रेजिस्टेंस है, इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और इसका नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ऐसा हमने किया। एक्स एल का फॉर्मूला क्या था, एल ओमेगा। एक्स सी का फॉर्मूला क्या था, वन बाय सी ओमेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक। फिर हमने क्या किया, हमने एल सी आर इन तीनों को कंबाइन किया। तो हमने एल सी आर इन तीनों को कंबाइन किया कुछ इस तरीके से, जैसे बोर्ड पे बना हुआ है अभी ये रहा, जिसमें कि आपको तीन वोल्टेजेस को सॉल्व करने को कहा गया। तीन वोल्टेजेस कौन सी, एक आपके पास ये करंट है आए, एक वोल्टेज क्या है वी ऑफ आर। ठीक, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस, सेम डायरेक्शन में रहते हैं हमेशा। फिर मैंने कहा था अगर करंट इस तरफ है तो वोल्टेज की वैल्यू वी एल कहाँ है, 90 डिग्री आगे है करंट से। उसी तरीके से अगर करंट इस तरफ है तो वोल्टेज की वैल्यू वी सी कहाँ पर है, पीछे की तरफ है। कोई डाउट इसमें? ऐसा हमने किया। फिर मैंने ये माना था कि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। आप उल्टा भी मान सकते हैं कि वी सी ग्रेटर देन वी एल। इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, तो वी एल वी सी का नेट वेक्टर क्या बनेगा, वी एल माइनस वी सी। और वी आर के साथ जो नेट वोल्टेज बनेगी, दैट इज वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। और नेट वोल्टेज करंट से आगे बाय एन एंगल ऑफ फाइव। ठीक है यहां तक। फिर हमने क्या किया था, इसमें नेट जो वोल्टेज आई थी उसका फॉर्मूला हमने बनाया अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। नेट वोल्टेज को मैंने बताया था ई भी लिख सकते हैं, ई नॉट भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ ई नॉट लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओम लॉ से दिस इज द नेट वोल्टेज का फॉर्मूला। ओम लॉ से वी आर का मतलब आई नॉट आर, वी एल का मतलब आई नॉट एक्स एल, वी सी का मतलब आई नॉट एक्स सी। तो आई नॉट कॉमन आ गया, टोटल ई एम एफ बाई टोटल करंट को क्या नाम दिया, टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन एल सी आर की रेजिस्टेंस का नाम चेंज किया, क्या नाम दिया, इम्पीडेंस। और सिंबल क्या चेंज किया, जेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैंने अपलोड भी किया था लेक्चर, कितने लोगों ने वैसे सुन लिया था, ये रिवाइज किया? ओके, काफ़ी लोगों ने एक बार फिर से देख लिया था इसे। ठीक, तो जिन्होंने नहीं देखा, अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप पे लिंक सेंड किया था इसका। ठीक, तो इम्पीडेंस के अंदर टैन फाई का फॉर्मूला क्या बना था, वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। और या फिर ऐसा भी कर सकते हो इसमें कि वी एल माइनस वी सी बाई वी आर को करंट की फॉर्म में आई नॉट एक्स एल, आई नॉट एक्स सी, आई नॉट आर, आई नॉट कैंसिल हो गया, टैन फाई का ये फॉर्मूला आपके पास जो है रेजिस्टेंस की फॉर्म में आ गया। ये स्टेप भी क्लियर है। इसे ट्राइंगल की फॉर्म के अंदर बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जेड क्या हो जाएगा, ये आर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस से दिस एंड दिस विल गिव जेड, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस का ट्राइंगल, जो टोटल इम्पीडेंस को जो है रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमने इसमें क्या किया, एल आर सर्किट जाते हुए बताया था कि सी हटा देंगे एल आर सर्किट है, और अगर एल हटा देंगे तो आर सी सर्किट है। ये भी हमने डिस्कस किया, राइट। एल सी ऑसिलेशंस के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एल सी ऑसिलेशन। रादर एल सी ऑसिलेशन से पहले मैं आपको एक और चीज़ करवाना चाहता हूँ, तब ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बिल्कुल एंड जब ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो एक एक्सप्रेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। देखो जरा पेज नंबर कौन सा है,
पेज नंबर 188। ठीक, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, सुन लो, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आती है, वैसी एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर यूज होती है। कैपेसिटर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाती है तो मैग्नेटिक एनर्जी है। कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में स्टोर होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। तो इंडक्टर में क्या हुआ, आपको पावर सप्लाई करनी पड़ती है बाहर से। क्यों? इंडक्टर तो हमेशा ही रोता रहेगा, मना करता रहेगा कि मैं नहीं तेरा करंट बढ़ने दूंगा। आप पीछे से करंट बढ़ाओगे, इंडक्टर कहेगा मैं नहीं करंट बढ़ने दूंगा, तो आपको पीछे से और पावर लगानी पड़ती है कि कैसे नहीं बढ़ने देगा, करंट तो बढ़ेगा। तो यानी कि आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। तो आप आए चेंज कर रहे हो पीछे से, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रही है, तो इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे इसे। इंस्टेंटेनियस क्यों? ई टाइम के साथ चेंज हो रहा है, आई भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर भी चेंज हो रही है हर वक्त, तो इंस्टेंटेनियस पावर इसके इक्वल है। और आपको ये वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है? ताकि करंट इंडक्टर में चेंज हो, क्योंकि वो तो अपोज करेगा चेंज करने के लिए, और आप उसमें वर्क डन करोगे ताकि वो अपोजिशन को ओवरकम कर सको। तो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज कैसे लिखते थे? डी एक्स बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं? डी वी बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे लिखते हैं? डी डब्ल्यू बाई डी टी। टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम एवरेज पावर होती है डब्ल्यू बाई टी, इंस्टेंटेनियस में कैलकुलस। तो यहां से डी डब्ल्यू और ई का मतलब क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी मैग्नीट्यूड में। तो डी टी डी टी कैंसिल। इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा ताकि इंडक्टर का करंट चेंज हो जाए बाय एन अमाउंट ऑफ डी आई। क्लियर? हो नहीं रहा था पर आपको वर्क डन करना पड़ेगा ताकि हो जाए। तो डी डब्ल्यू डी आई रिलेशन आ गया। इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, मान लो आप करंट को कितना चेंज करना चाहते हो इंडक्टर में, जीरो से आई नॉट, तो आप इसकी लिमिट लगाओ जीरो से डब्ल्यू, जीरो से आई नॉट, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या देगी? डब्ल्यू आई एल बाहर आ गया, आई की इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाय टू, लिमिट पुट करेंगे आई नॉट स्क्वायर बाय टू। दिस इज द एनर्जी, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आपको करना पड़ा अगेंस्ट इंडक्टर, इंडक्टर के बिहेवियर के अगेंस्ट काम करना पड़ा, और ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। कल को कोई कहता है मैं तो करंट I1 इंक्रीज करना चाहता था, तो I1 पुट कर दे। कोई कहेगा मैं I करना चाहता हूँ, I कर दे। तो जितना भी करंट वो इंडक्टर में लेके आना चाहता है, हाफ एल आई स्क्वायर उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये नहीं आएगा तो ये आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी अगर आपको याद हो तो एनर्जी डेंसिटी आपने निकाली थी कैपेसिटर के अंदर भी। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। ऐसी एनर्जी डेंसिटी इंडक्टर के अंदर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लेट अस सपोज एक सोलेनोइड इंडक्टर लिया। सोलेनोइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, मान लो ए। सोलेनोइड कितना लंबा लिया ऑफ लेंथ, एल, छोटा एल कर लो प्लीज, करेक्शन है, यहां पे कैपिटल एल की जगह छोटा एल करो। ठीक है यहां तक? क्योंकि कैपिटल एल में नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। स्मॉल एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बी क्या होता है एक इंडक्टर का या सोलेनोइड का? बी इज म्यू नॉट एन आई। क्लियर है? बी इज म्यू नॉट एन आई। करंट क्या हो जाएगा? बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स एन। क्लियर है? राइट, करंट आ गया विदाउट इसमें। एल का फॉर्मूला सेल्फ इंडक्शन हमने प्रूव किया था, हमने अपनी बुकलेट में ये प्रूव किया था फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इनटू एरिया। ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात होती है। कैसे? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए का मतलब, एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आप इसे ओपन करेंगे वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये करें या ये करें, एक ही बात है। तो आप इसमें कैपिटल एल, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। जहां कैपिटल एल है उसकी जगह तो ये पुट कर दें, जहां करंट है उसकी जगह ये पुट कर दें, ये ना, तो हाफ एल आई का स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है? करंट की वैल्यू भी पुट कर दी और साथ में जो है एल की वैल्यू पुट की। इसे होल स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? एनर्जी स्टोर्ड एन इंडक्टर की। पर हमने क्या निकालनी है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू लेंथ एल, एल इंटू ए क्या हो गया वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी में वॉल्यूम से डिवाइड किया, एरिया से एरिया, लेंथ से लेंथ, कैंसिल, आंसर आ गया बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। ये इसके इक्वल जरूर किया हुआ है, इसको काट दो, पर वैसे समझाने के लिए बता देता हूँ, हमने ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था, कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक इंडक्टर के अंदर एनर्जी का, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ का हाफ, एप्सिलॉन नॉट की जगह वन बाय म्यू नॉट हो जाता है और ई की जगह क्या हो जाता है बी, मतलब जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक की एनर्जी चलती है उसी तरीके से मैग्नेटिक की भी चलती है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये हो जाएगा प्रूव एनर्जी डेंसिटी, कोई डाउट इसमें? तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आपके पास या कहें कोई डाउट, ठीक योगेश क्लियर है? इसका लास्ट लेक्चर मिस, ओके तो नेक्स्ट देखते हैं। पेज नंबर एलसी ऑसिलेशंस 172। देखो एलसी ऑसिलेशंस में होता क्या है, ऑसिलेशन वर्ड से पता लग रहा है कि कोई चीज ऑसिलेट करेगी टू एंड फ्रो, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, पहला पॉइंट क्लियर है। नॉर्मली किसी भी एसएचएम में बॉडी डिस्प्लेस करती है, इसमें क्या डिस्प्लेस होगी, एनर्जी, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, एनर्जी को स्टोर करने की जगह चाहिए, हवा में तो कैसे रुकेगी एनर्जी ऐसे, हालांकि हवा में भी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर जाती है, बट अगर स्टोरेज की बात करें तो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और इंडक्टर भी स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो होगा क्या, आपने एल और सी को इकट्ठा ज्वाइन कर दिया, आपने कनेक्शन को यहाँ ब्रेक करके रखा, अभी आपने इस की को दबाया, बैटरी लगी हुई थी, कैपेसिटर के साथ ज्वाइन किया, बैटरी ने कैपेसिटर की चार्जिंग कर दी, पूरी तरह कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, बैटरी को उठाओ बाहर फेंक दो, चार्ज्ड कैपेसिटर को इसके साथ ज्वाइन कर दो। अब चार्ज्ड कैपेसिटर है और ऊपर से इंडक्टर है, कैपेसिटर की तो एक आदत है, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन है, तो आपके नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्चार्ज। क्या ये पॉइंट क्लियर है, करंट दौड़ेगा। अब इंडक्टर में शुरू में कितना करंट था, ही नहीं, जीरो करंट था, पर क्योंकि कैपेसिटर ने उसमें करंट इंक्रीज करना शुरू किया, अपना चार्ज देना शुरू किया, इंडक्टर में करंट बढ़ा, इंडक्टर को लगा कि मेरा फ्लक्स तो पहले जीरो था, मेरा तो फ्लक्स बढ़ गया, तो इंडक्टर क्या कहता है, मैं फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने दूंगा, तो अपने अंदर क्या जनरेट कर लेगा, इंड्यूस ईएमएफ, राइट। वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, कैपेसिटर को और डिस्चार्ज करने में हेल्प करेगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगी, कैपेसिटर को और डिस्चार्ज करने में हेल्प करेगी और कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है, सारी एनर्जी किस फॉर्म में चली गई है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, क्योंकि इंडक्टर में करंट है हाफ एल आई स्क्वायर, जब तक आई है तब तक एनर्जी है। अब एकदम जब इंडक्टर में कोई करंट नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ कैपेसिटर खाली हो चुका है, इंडक्टर को लगा मेरा फ्लक्स तो अब कम हो गया, जीरो हो गया, वो कहता है ऐसे कैसे जीरो हो गया, जब कैपेसिटर बढ़ा रहा था तो वो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करके बैठा था और वो इंड्यूस ईएमएफ कैपेसिटर को खाली कर रही थी। अब क्या हुआ, जब बिल्कुल खाली हो गया कैपेसिटर, इंडक्टर का फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, वो कहता है ऐसे कैसे चेंज हुआ, अब वो उल्टी ईएमएफ जनरेट कर लेगा इंडक्टर अपने अंदर, पहले सीधी ईएमएफ क्या कर रही थी, कैपेसिटर को खाली कर रही थी, अब उल्टी ईएमएफ जनरेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्लक्स बढ़ने की बजाय फ्लक्स कम हो गया, जीरो हो गया, जो कैपेसिटर को भरना स्टार्ट कर देगी, यानी कि इंडक्टर की एनर्जी जो मैग्नेटिक है वो कैपेसिटर में जाना स्टार्ट हो जाएगी और कैपेसिटर फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ देयर इज नो एनर्जी लॉस। इस प्रोसेस को ऐसे रिटेन करना मुश्किल है,
मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ये लो इस प्रोसेस को, ये बहुत बढ़िया डायग्राम है, इससे समझते हैं। सबसे पहले केस नंबर वन, ये कैपेसिटर है, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है। कौन सी एनर्जी दिख रही है इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है। पहला स्टेज क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, अपनी एनर्जी किसको देगा? इंडक्टर को देगा। इंडक्टर में लाइंस आ गई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इंडक्टर में कौन सी एनर्जी दिख रही है? मैग्नेटिक दिख रही है। कैपेसिटर क्या हो चुका है? खाली हो चुका है। कोई डाउट इसमें? कैपेसिटर खाली हो गया, कैपेसिटर के बाद इस टाइम कुछ नहीं है, राइट? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये इसको करंट दे रहा था, इसकी इंड्यूस ईएमएफ क्या कर रही थी? इसको खाली करने में हेल्प कर रही थी। और जब ये बिल्कुल खाली हो गया तो अब क्या होगा? अब उस केस में इसको लगा ये तो बिल्कुल खाली हो गया, मेरा फ्लक्स तो बिल्कुल जीरो हो गया, ये अब ये उल्टी ईएमएफ जनरेट कर लेगा और कैपेसिटर को क्या कर देगा? चार्ज। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अब जो ये कैपेसिटर चार्ज करेगा उसकी डायरेक्शन देखना इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओरिजिनल ये प्लस था, ये माइनस था, लेकिन इसने इसको उल्टा ऐसा चार्ज किया कि ये प्लस हो गया और ये माइनस, उल्टा उल्टा फील्ड जनरेट कर दिया। अब क्या हुआ? अब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुकी है? चेंज। ये स्टेप क्लियर है? आगे, अब कैपेसिटर की क्या आदत है? वो डिस्चार्ज होगा। जब कैपेसिटर चार्ज इसको देगा तो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? मैग्नेटिक। जब कैपेसिटर की प्लेट ऊपर वाली पॉजिटिव थी और कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ था तो उसने फील्ड ऐसे जनरेट किया था। अब कैपेसिटर की नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, अब वो मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर सेंड कर देगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी अब चेंज हो रहा है, सिर्फ कैपेसिटर का फील्ड चेंज ही हो रहा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ने डायरेक्शन चेंज की, तो अब कैपेसिटर खाली हो चुका है। इंडक्टर क्या करेगा? अपनी एनर्जी किसको देगा? वापस कैपेसिटर में देगा। अब कैसे देगा? इस तरीके से देगा कि ओरिजिनल स्टेट फिर वापस आ गई और ये स्टेज फिर से रिपीट होती जाएगी। कहने का मतलब, कैपेसिटर की हालत सोचो। कैपेसिटर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उसका नीचे था, फर्स्ट स्टेप। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, जीरो। फिर कैपेसिटर उल्टा चार्ज हो गया, फिर जीरो। फिर सीधा चार्ज हो गया, फिर जीरो। फिर उल्टा चार्ज हो गया, फिर जीरो। इंडक्टर में पहले फील्ड ऐसे था, फिर जीरो। फिर फील्ड ऐसे हो गया, फिर जीरो। फिर फील्ड ऐसे हो गया, फिर जीरो। फिर फील्ड ऐसे हो गया, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है? पेंडुलम में क्या होता था? पेंडुलम पहले वो मीन पे था, फिर वो एक्सट्रीम पे आता था। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट जीरो। उल्टा कर लेते हैं, पेंडुलम यहाँ पे था, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसमें एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी जीरो। एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी जीरो। ये तो एस एच एम जैसी फीलिंग आने लग गई, ये तो रिपीट हो रही हैं चीज़ें आपस में, और ये सच में एस एच एम की तरह ही काम करता है। एक प्रिंसिपल समझ में आया? सिर्फ इतनी सी बात है, अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टर को देगा और फिर इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देगा। और अगर एनर्जी लॉस है तो ये प्रोसेस बहुत देर नहीं चल पाएगा, स्टार्ट हुआ उसी टाइम खत्म हो गया, क्योंकि एनर्जी से एनर्जी लॉस है, हीट लॉस है, जिससे कि इस ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, प्लस वन में करते थे, एनर्जी लॉस हो जाता है और जीरो। हम कौन सी कर रहे हैं? अनडैम्प्ड कर रहे हैं, जिसमें हम एनर्जी लॉस को कंसिडर नहीं कर रहे। कोई डाउट इसमें? कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ही ना, प्लेट पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेस अपना रास्ता ढूंढ लेंगे वायर के थ्रू और पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, खाली तो होना ही है। हाँ, वो रूल ये नहीं बता सकता, ये कह रहा है कि आपको कैसे पता लगा कि इंडक्टर ने पहले उसको डिस्चार्ज ही करना था, क्या पता उसको ना डिस्चार्ज होने देता, ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, या आपको याद ही करना पड़ेगा। हाँ, इंड्यूस ईएमएफ पहले उसको खाली करने में मदद करती है हमेशा, क्योंकि प्रैक्टिकल हो चुका ना, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है कि इंड्यूस ईएमएफ पहले कैपेसिटर को खाली करने में मदद करती है, जब वो खाली हो जाता है फिर इंड्यूस ईएमएफ उसको भरने में मदद करती है, फिर इंड्यूस ईएमएफ खाली करने में मदद करती है, फिर भरने में मदद करती है, इस तरीके से चलता है। ये तो अब ये रूल है यार, अब ये मैं तो क्या कहूँ उसे, ये तो इंड्यूस ईएमएफ उल्टी हो गई ना, इसलिए सीधी ईएमएफ डिस्चार्ज कर रही है, उल्टी ईएमएफ चार्ज कर रही है।
एक्चुअल में ये पूछना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मोशन दिखाओ कि कैसे उल्टा सीधा चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि हम इलेक्ट्रॉन मोशन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम इतनी बारीकी में नहीं जा रहे कि कहां से कौन से इंड्यूस में कब कैंसिल किया और किस तरीके से इसने ऐसे किया, राइट। हाँ, मैं किसी और तरीके से जरूर प्रूव कर दूंगा कि उल्टा होता है, मेरा अपना तरीका है, मैं आपको बताऊंगा उल्टा क्यों होता है, राइट। यहां तक क्लियर है? देखो ये टॉपिक एनसीईआरटी में ऊपर ऊपर से बस ऊपर ऊपर से चला है, बस मतलब बिल्कुल ही वहां से ऊपर ऊपर से निकल गया कि बस ये बता रहा है कि एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती है, बस दैट्स इट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मतलब ये समझ में आता है कि एनर्जी ऑसिलेट करती है। हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दूंगा, ये उल्टा क्यों करती है, ये एनर्जी उल्टी क्यों होती है, चार्ज उल्टे क्यों जाते हैं, उसका आंसर मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट इसमें? आगे, ठीक है। तो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये साथ में स्प्रिंग मास क्यों बना रखा है, जस्ट बताने के लिए कि स्प्रिंग मास के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है। अभी एनर्जी किस किस में घूम रही है, कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर इंडक्टर। स्प्रिंग मास सिस्टम में पता है क्या था, आपने एक मास को साइड पे खींच दिया, आपने एनर्जी भर दी इसमें, मास में जो स्प्रिंग में एनर्जी भर दी हाफ के एक्स स्क्वायर, छोड़ दो। मीन पे जैसे ही आएगा ये ब्लॉक, सारी एनर्जी स्प्रिंग की जीरो, सारी एनर्जी ब्लॉक को मिल जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस में क्या होगा, सारी एनर्जी काइनेटिक खत्म हो जाएगी ब्लॉक की और वापस क्या हो जाएगी, स्प्रिंग एनर्जी। फिर वापस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और फिर वापस स्प्रिंग एनर्जी। तो ये तो सेम वही चीज हो रही है ना, जैसे एक बार एनर्जी कंप्रेशन की और एक बार एक्सपेंशन की है, उसी तरीके से एक बार कैपेसिटर सीधा चार्ज होता है और एक बार उल्टा चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है और ये समझ में आया इसको कंपेयर क्यों किया जा रहा है विद स्प्रिंग मास सिस्टम? क्योंकि इसमें एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, उसमें मास ऑसिलेट करता है। क्लियर यहां तक? फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, ये तो कंप्रेशन हो गया ना, हाँ, तो फिर एक्सपेंशन हुई, फिर वापस आया, तो ये सिचुएशन तो वापस यहाँ पर आई ना, तो ऐसी ये सिचुएशन वापस यहाँ पर आई ना, मतलब यहाँ से यहाँ होने में टाइम पीरियड लगता है T/4, टोटल टाइम पीरियड इज T, जैसे मैं सच में करते थे, यहाँ से यहाँ आने में ब्लॉक को कितना टाइम लगता है, T/4, कुल मिला के टी, एक टाइम पीरियड पूरा हो गया। ठीक है यहां तक? तो इस एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये डायग्राम है आपकी बुक्स में बना हुआ, उसमें सिर्फ ये बताया है एल और सी है, ये बताया है कि आपके पास जो कैपेसिटर की पहली कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो उसके पास टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, जिसका ये फॉर्मूला है। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो एनर्जी किसके पास चली जाएगी, इंडक्टर के पास, इंडक्टर की एनर्जी स्टोर करने का ये फॉर्मूला है, हमने दोनों कर लिए। और तीसरे स्टेप में ये बताया हुआ है कि एनर्जी बार बार, कभी इंडक्टर कभी कैपेसिटर, कभी इंडक्टर कभी कैपेसिटर, तो ये जो है एनर्जी लॉस तो है नहीं, तो एक सेकेंड में कितनी बार एनर्जी शफल हो जाती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 pi अंडर रूट ऑफ एल सी, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी है एनर्जी का, एनर्जी को ऑसिलेट करवाने की, कि एक सेकेंड में एनर्जी, कभी कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर, एक चक्कर पूरा हो गया, कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर, मतलब ये चार जो हमने T/4 किया, ऐसा कितनी देर में, एक सेकेंड में कितनी बार होता है, उसका ये फॉर्मूला है, राइट। ये तो आपकी बुक्स का काम है, और बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो इसको अनडैम्प्ड बोलते हैं, एनर्जी लॉस नहीं, अगर एनर्जी लॉस है, एनर्जी पहले ज़्यादा होगी फिर कम 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 करते करते ज़ीरो हो जाएगी। ठीक हो गया? ये तो नॉर्मल बुक्स ऐसे लिखती है, एनसीईआरटी ऐसे लिखती है, साफ सी बात है। ठीक हो गया? अब कई लोगों को इस टॉपिक को करके उतनी तसल्ली नहीं होती, ऊपर ऊपर से है ना, वो बात बनती नहीं है जब तक मैथमेटिकली ना हो, और कईयों को ये नहीं समझ में आया कि ये उल्टा जो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कैसे होता था। तो उसके लिए मैंने आपको एक प्रिंट आउट दिया है, अभी एक प्रिंट आउट मिला है जिसकी हेडिंग है एलसी ऑसिलेशंस। जो लोग आज एब्सेंट हैं, बहुत लोग एब्सेंट हैं और रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, प्लीज़ पहले प्रिंट आउट निकलवा लें, एलसी ऑसिलेशन करके फाइल है, ठीक है। तो प्लीज़ ये बुकलेट में नहीं है, और ये उन लोगों के लिए है जो सच में देखना चाहते हैं कि अंदर हुआ क्या था। तो ओपन करो एलसी ऑसिलेशन,
मतलब इन शॉर्ट शायद किसी ऑब्जेक्टिव के अंदर काम आ जाए। बता रहा हूँ ओके देखो तो एलसी ऑसिलेशंस ये बेसिकली मैंने फॉर्मल बनाई नहीं इस बार नोट्स कुछ ऐसे क्योंकि किसी स्टूडेंट ने पूछा था लास्ट ईयर तो उस टाइम जब उसको प्रूफ करवाया था तो वो पेज मैंने संभाल के रखा हुआ था और बाय चांस मैं आज लेके भी नहीं आया था। आज फिर से लोगों ने जब क्वेश्चन पूछे मुझे याद आ गया एकदम कि वो पेज मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैंने साथ की साथ ही फोटो कॉपी करवा के दी है तो इसलिए थोड़ी राइटिंग ऐसी मिलेगी आपको इसकी। ठीक तो इसमें क्या बताया है इसमें देखो एल सी ऑसिलेशन में एल और सी आपको दिखाई दे रहे हैं सी के पास कितना पोटेंशियल होगा क्यू बाई सी और एल उसको अपोज करेगा माइनस एल डी आई बाई डी टी ये होती है इंड्यूस ईएमएफ और किरचॉफ लॉ क्या बोलते हैं नेट ईएमएफ दोनों के मिला के आंसर क्या आना चाहिए जीरो। पहला स्टेप क्लियर है लिख लो अगर नहीं लिखा तो पहला स्टेप क्लियर है आगे देखो आगे इसको रीअरेंज किया राइट साइड लेके तो ये स्टेप आ गया ये भी क्लियर है कैपेसिटर का चार्ज डिस्चार्जिंग होएगी कम होगा अगर कैपेसिटर का चार्ज कम होगा तो करंट डी क्यू बाई डी टी पॉजिटिव नहीं होगा रेट कम हो रहा है तो आगे साइन क्या लगेगा माइनस माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो आपने इस करंट को उठा के ये करंट की वैल्यू आ गई रादर आपने दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये बना डी आई बाई डी टी ये बना माइनस डी टू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। यहां पर डी आई बाई डी टी चाहिए हमें डी आई बाई डी टी की जगह क्या पुट कर दिया माइनस डी टू स्क्वायर बाई डी टी ये आ गया इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ये जो इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है इसको डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर को एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ तो ये इक्वेशन है आई माइनस कहां क्या ऊपर वो डिक्रीज हो रहा है चार्ज जब डिक्रीज हो रहा है तो रेट कम हो रहा है बढ़ता है तो पॉजिटिव कम होता है तो नेगेटिव। अब अगर आपको याद हो एसएचएम के अंदर एसएचएम में एक ब्लॉक या कोई भी बॉडी मूव करती थी डिस्प्लेसमेंट कवर होती थी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब वो ब्लॉक टू एंड फ्रो मूव करता जैसे पेंडुलम है तो एसएचएम की क्या इक्वेशन होती थी यही इक्वेशन होती थी एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे एसएचएम की। तो इसके अंदर एसएचएम में क्या था डिस्प्लेसमेंट थी इसमें कौन कौन सी चीज एसएचएम में है चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट। आप अगर इसे कंपेयर करें तो एक जैसी इक्वेशन देखो चार्ज की जगह एक्स की जगह क्यू है तो इसमें कौन एस एच एम में चार्ज तो साफ पता लग रहा है कि एस एच एम की क्वेश्चन है जिसमें चार्ज एस एच एम में ठीक। अगर मैंने कंपेयर कर लूं कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी ओमेगा आ गया और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2π(ν) ओमेगा क्या होता है 2π(ν) तो न्यू क्या हो जाएगा 1π(√LC यहां से आया फॉर्मूला जो आया था ना 1π(2π) यहां से आया करने की जरूरत नहीं है वैसे टॉपिक सर नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपके ऑब्जेक्टिव बुक्स में कभी ना कभी काम आ जाएगा। अब मैथ्स में एक चीज सिखाई जाती है हालांकि हमने उल्टी की हुई है हमने क्या किया हुआ है कि एक्स एस एच एम अगर आपको याद हो
देखो ध्यान से देखो इधर, मैंने क्या बताया था अभी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट SHM में है। अगर आपको प्लस वन का थोड़ा सा भी SHM अगर याद है, ये तो याद है कि इक्वेशन बनती होती थी। ये इक्वेशन कैसे बनती थी, हमने SHM का चैप्टर स्टार्ट किया था बाय कंपेयरिंग SHM विद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में x की वैल्यू थी a साइन ओमेगा t, उसको दो दो बार डिफ्रेंशिएट करके ये आंसर आता था, राइट हम करते थे सीधा काम k1 x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t और उसको डिफ्रेंशिएट करके SHM की इक्वेशन निकालते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथ्स वाले लोग कैलकुलस जब कर लेंगे, मुझे पता नहीं शायद प्लस टू के अंदर भी इनकी स्टार्टिंग है मैथ्स वालों के सिलेबस में, इंजीनियरिंग के अंदर तो पक्का ही है, आपको उल्टा सिखाया जाएगा। आपको ऐसी क्वेश्चन दी जाएंगी और कहेंगे बताओ x की क्या वैल्यू है, उल्टा इंटीग्रेशन सिखाते हैं। हम करते हैं सीधा x को लेके ये प्रूव करते हैं। मैथ्स वाले लोग इसको देखते हैं x निकालते हैं, तो अभी नहीं कर पाएंगे, अभी हमारी नॉलेज नहीं है इतनी। तो अगर मैं अपना मैथ्स का रूल यूज करूँ जो अभी मैं नहीं कर सकता, और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ मैथ्स की हेल्प से जो मैं अभी कर नहीं सकता, तो मेरा आंसर ये आएगा, ये आ जाएगा कॉस या साइन में आएगा, मेरे कहने का मतलब कॉस में आएगा। अभी हम कुछ नहीं, अभी हम याद कर सकते हैं, बस ये देख सकते हैं कि चार्ज पीरियोडिकली क्या हो रहा है, कैपेसिटर पे चेंज हो रहा है। सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज नहीं कर रहा, अपनी वैल्यू को भी कभी बढ़ा रहा है, जीरो कर रहा है और फिर डायरेक्शन ऑपोजिट कर रहा है। आंसर मिल गया कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, डायरेक्शन चेंज क्यों कर रहा है। जैसे जैसे पेंडुलम में करता है, जैसे पेंडुलम में कभी पेंडुलम इधर कभी इधर कभी इधर, चार्ज कभी पॉजिटिव कभी जीरो कभी नेगेटिव, राइट। तो ऐसा कुछ गिवन है बुक्स में, और ये मास और स्प्रिंग सिस्टम को लेके भी कुछ गिवन होता है बुक्स में। दो मिनट लगा के बता देता हूँ, थ्योरी में बता दिया कि कैसे मास और वो स्प्रिंग कंपेयर किया जाता है विद ऑसिलेशंस, मैथमेटिकली बता देता हूँ। हमने मास सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट क्या ली थी, ब्लॉक की एक्स, लेकिन इसमें एलसी ऑसिलेशन में क्या लिया हमने, चार्ज। हमने उसमें एक्स को ऑसिलेट करवाया, SHM में लिया, इसमें चार्ज को लिया। वेलोसिटी क्या होती थी, dx बाई dt, यहाँ पर dq बाई dt क्या देगा, करंट। जो काम उसमें v करता है वो काम इसमें i करेगा। अगर मैं SHM की इक्वेशन बोलूँगा तो ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट में और LC में ये है, सेम अभी किया हमने। इसमें ओमेगा क्या होता था, अंडर रूट ऑफ k बाई m स्प्रिंग मास सिस्टम में, इसमें क्या होता है, अंडर रूट ऑफ LC। उसमें x की इक्वेशन साइन या कॉस में होती है, ऐसी इसमें चार्ज की इक्वेशन साइन या कॉस में हो सकती है। आगे करने की जरूरत नहीं, अपना इंटरेस्ट है, पर इतना मोर देन सफिशियंट है कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम LC ऑसिलेटर को स्प्रिंग मास सिस्टम से। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने बता दिया कि किस तरीके से करना है। ठीक, तो NCERT में नहीं आएगा इसलिए बुकलेट में नहीं है। किसी के स्कूल में ऑप्टिक्स आ रहा है, ओके आपकी बुकलेट रेडी है, वो मैंने निकाल दी है बुकलेट, मैंने प्रिंटआउट भी दे दिया था वैसे आपको, तो आप अपनी बुकलेट स्पायरल करवा के रख लेना, तो उसी में से आप जो देखना देख लेना। मैंने प्रिंटआउट भी दे दिए थे पर फिर मैंने बुकलेट भी निकाल ली थी, वो एक ही बात है। ठीक, बुकलेट में फिर मॉडर्न फिजिक्स तक आ रही है। ओके, राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हमने जितना भी अभी काम किया इसको यहीं रोकते हुए 9th क्वेश्चन सब्जेक्टिव शीट 34 बस यहीं रोकते हैं थ्योरी को। जितना हमने काम किया उसके पहले NCERT लेवल के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर अगली अगला फेज करेंगे थ्योरी का। क्वेश्चन नंबर 9 देखो सब्जेक्टिव 34 का, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव 34 का क्वेश्चन नंबर 9।
ओके, क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक? ओके करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो ध्यान से पढ़ेंगे, द इंस्टेंटेनियस या इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई इज 50 कॉस ऑफ 100 बाई टी। हम करंट को लेते हैं साइन में, पर ऐसा नहीं है कि कॉस में नहीं ले सकते, करंट कॉस में चलने दो। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, राइट? तो इसमें आई की वैल्यू कितनी गिवन है? 50 कॉस 100 पाई टी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है करंट की? आई इज आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, राइट? यहाँ तक क्लियर है? अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा? 100 पाई, और आई नॉट मैक्सिमम करंट किसके इक्वल आ जाएगा? 50 मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट 50। ओमेगा अगर 100 पाई है, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, पाई से पाई कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 50, और टाइम पीरियड इज 1 बाई फ्रीक्वेंसी। यहां तक ये स्टेप क्लियर है? मुझे निकालना क्या है, पहले सुन लो, मुझे निकालना है मीन वैल्यू ऑफ करंट। जो मीन वैल्यू होती है वो मैंने फॉर्मूला करवाया था 0.637 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसमें? 50। आंसर आ गया। ए पार्ट क्लियर हो गया, राइट? बी पार्ट भी देख लो, मीन वैल्यू, फ्रीक्वेंसी तो हो गई, मीन वैल्यू हो गया। सी पार्ट, सॉरी, वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल का मतलब आरएमएस। आरएमएस का फॉर्मूला क्या था? आई नॉट बाई रूट टू, या फिर 0.707 इंटू आई नॉट। तो आई नॉट 50 है, वर्चुअल वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये पार्ट भी क्लियर है? फॉर्मूला अगर आई नॉट आ गया तो मीन भी आ जाएगी और वर्चुअल आरएमएस भी आ जाएगी। और लास्ट है वैल्यू ऑफ करंट कब? एट टाइम 1/300 सेकेंड। कौन सा करंट पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस, जो हर वैल्यू हर पॉइंट पर क्या हो रहा है? चेंज। तो करंट का ये फॉर्मूला है, इस करंट को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। तो ये करंट आपको निकालना है एट टाइम टी इज इक्वल टू 1/300। आई नॉट की जगह 50, ओमेगा की जगह 2π बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी हमें पता है, स्मॉल टी की जगह क्या पुट करेंगे? 1/300। आंसर ध्यान से देख लो और नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, इसमें डाउट है तो पूछ लो प्लीज।
क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोसाइडल वोल्टेज. साइनोसाइडल का मतलब होता है साइन वेव की तरह, राइट? साइन वेव की तरह. तो साइन वेव की तरह ये वोल्टेज कैसे चेंज हो रही है? 200 साइन 3140. रेजिस्टर कितना है? 10 ओम का. क्या निकालनी है? आरएमएस. पहले काम करो, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन को कंपेयर करो किससे? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, राइट? कंपेयर करेंगे तो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? 200. ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? 314, राइट? क्या पॉइंट क्लियर है? तो यहां से ई नॉट आ गया और 314 आ गया. क्या निकालनी है? आरएमएस. आरएमएस का फॉर्मूला बोलो, ई नॉट बाय रूट टू. किया था प्रूफ, ई नॉट बाय रूट टू. ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 200 बाय रूट टू. एक आंसर आ गया ई आरएमएस. कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है क्या निकालना है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है, बात नहीं करनी. आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट में ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है. पर याद रहे, अगर मैं ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ लेता हूं तो करंट भी मैक्सिमम आएगा. अगर मैं ई एवरेज लेता हूं तो करंट भी एवरेज आएगा. अगर मैं ई आरएमएस लेता हूं तो करंट भी आरएमएस आएगा. तो मुझे आरएमएस करंट निकालना है, तो ई आरएमएस बाय 10. ई आरएमएस मेरे पास है ये रहा, डिवाइडेड बाय कितना? 10. आंसर आ गया. ये पार्ट भी क्लियर है. और लास्ट पार्ट क्या है? पावर डिसिपेटेड. पावर अभी हमने किया नहीं एज अ हीट, पर फिर भी इतना आपको आता है. पावर रेजिस्टेंस में क्या होगी? आई स्क्वायर आर. और हम अपनी एसी की कैलकुलेशन में एवरेज वैल्यू नहीं लेते, हम कौन सी लेते हैं? आरएमएस लेते हैं. तो पीक भी नहीं लेते, आई आरएमएस स्क्वायर आर स्टैंडर्ड है. कोई वोल्टेज ना गिवन हो वो हमेशा आरएमएस होगी, कोई करंट ना गिवन हो वो आरएमएस होगा. तो ये आरएमएस है. ठीक है यहाँ तक? आरएमएस होगी. हेलो, ठीक है, ठीक है. क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सेटिंग होने वाली है इसकी यार. चलो ठीक, देखते हैं क्या ये पॉइंट क्लियर है. कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस द क्वाइल, कौन सी वैल्यू गिवन है? आरएमएस, मैक्सिमम या कौन सी? जब कुछ ना गिवन हो तो ये तो डीसी है, इसमें क्या करोगे? आरएमएस. इसमें तो एक ही वोल्टेज होती है. एसी के अंदर चेंज होती है वोल्टेजेस, ये तो डीसी है, तो इसमें कुछ नहीं है, तो वही पुरानी इलेक्ट्रिसिटी वाली डीसी है. तो कह रहे हैं कि इसमें सिंपल वोल्टेज कितनी है? 100 वोल्ट है. एक कॉइल में हमने लगाई,
कॉइल की तो एक्सएल की वैल्यू भी होती है, पर इस केस में एक्सएल नहीं होगा क्योंकि डीसी में एक्सएल नहीं होता। ये रहा, तो वो कह रहा है कि डीसी में करंट कितना ऑब्जर्व किया गया, 1 एम्पियर। क्या स्टेप क्लियर है? तो डीसी में करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो अगर मैं वोल्टेज को करंट से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगी, रेजिस्टेंस आर। एक्सएल नहीं आएगा क्योंकि इसमें डीसी में एक्सएल होता ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? आर की वैल्यू आ गई। अब वो सेकेंड केस में ये कह रहा है, वन 100 वोल्ट एसी इज अप्लाइड तो करंट 0.5 रह गया। क्यों? क्योंकि अब जो वोल्टेज है वो वी नहीं है, वो एक्चुअल में कौन सी है, आरएमएस है। वो आरएमएस है क्योंकि अब एसी स्टार्ट हो गया। एसी में तो मेंशन करना पड़ता है ना कि मैक्सिमम वोल्टेज है, मीन है या आरएमएस है। अब कुछ नहीं गिवन तो कौन सी लेनी है, आरएमएस है। क्लियर है यहाँ तक? सब क्लियर है? तो आरएमएस वोल्टेज है, तो करंट की वैल्यू जो आई कितनी आई, 0.5 आई। तो कौन सा करंट आया, आरएमएस आया, तो करंट भी आरएमएस आ गया। जब मैंने टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड किया, अब आर नहीं आया। एक कॉइल का एसी में आर भी होता है और एक्सएल भी होता है, तो ये क्वेश्चन एलआर सर्किट हो गया। एक कॉइल समझते हो, इंडक्टर, इंडक्टर में जब एसी पास करते हैं तो एक्सएल होता है, एक्सएल होता है, साथ में आर भी तो होता है मटेरियल की वजह से। तो जब एक्सएल भी होगा आर भी होगा तो टोटल रेजिस्टेंस को ना एक्सएल बोलेंगे ना आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट जब एसी में करते हैं तो हमेशा किसकी वैल्यू देते हैं आपको, इम्पीडेंस देते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये सर्किट किस कैटेगरी का सर्किट है, एलसीआर है कि एलआर है? ये एलआर है। इंडक्टर में एल भी काम करेगा और एक्सएल भी करेगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जेड आ गया हमारे पास। अब मुझे पता है जो जेड होता है वो एलआर सर्किट में क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब इसमें एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा। जेड कितना निकाला हमने, 200। आर की वैल्यू कितनी निकाली थी, 100। यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा, एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2π × फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा, एल आ जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा ये एलआर सर्किट है? पहली बात तो उसने कॉइल बोला, इंडक्टर होती है। फिर उसने मुझसे क्या पूछ लिया, फाइंड दी इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एंड इम्पीडेंस। अब मुझे ये पता लग रहा है इम्पीडेंस वर्ड तो ओनली आर का होता नहीं, कैपेसिटर इसमें है नहीं, तीन तो चीज़ें होती हैं, एल आर और सी। सी है नहीं, इम्पीडेंस पूछ रहा है तो एलआर सर्किट ही होगा ना, नहीं तो आर ना पूछ लेता। ठीक है ना? और वैसे भी करंट कम हो गया 0.5 एसी में। क्यों कम हुआ, क्योंकि जेड बढ़ गया, जेड हो गया ना, आर नहीं रहा, आर से ज्यादा हो गई रेजिस्टेंस। क्या पॉइंट क्लियर है? हाँ हाँ, कॉइल से पता लग जाता है एलसी है, एल आर है। एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, सुन लो इसमें, इस चैप्टर में से जो नॉर्मली थ्योरी का क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट इन एन इंडक्टर ईएमएफ आगे होती है बाय एंगल ऑफ 90 या कैपेसिटर कहा जाता है, एलसीआर आ जाता है। एक न्यूमेरिकल आएगा इनमें से पक्का, इस शीट में से इसी टाइप का आना है बोर्ड के अंदर। ये थ्योरी नहीं आएगी तो एवरेज पावर पे आएगी, जो आज हम करेंगे। एवरेज पावर में से भी आ सकते हैं, मतलब पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ के जाएँ और क्या रखें, तो इसमें सब कुछ आया ही हुआ है बार बार, तो इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, आपके आने ही आने हैं, सेप्टेम्बर एग्जाम में भी आना है और उसमें फाइनल में भी एक आना है। ठीक, क्या हो गया? तो क्या ये पॉइंट क्लियर है एल निकालने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथ साथ पढ़ते हैं, अ कॉइल ऑफ क्या गिवन है, इंडक्टेंस, यूनिट्स क्या है, हेनरी, तो हेनरी किसके यूनिट होते हैं, एल के, तो एल गिवन है। एंड रेजिस्टेंस क्या गिवन है, आर, कनेक्टेड टू 240 वोल्ट, कुछ नहीं गिवन कौन सी वोल्टेज है, तो पक्की बात है कौन सी है, आरएमएस। एंड फ्रीक्वेंसी 50, राइट, क्या निकालना है, ये सर्किट है कौन सा, साफ पता लग रहा है एल आर है, कैपेसिटर की तो है नहीं, एल आर है। क्या निकालना है, मैक्सिमम करंट। मुझे एक चीज बताओ,
कि आरएमएस करंट तो निकल सकता है, क्यों? क्योंकि ई आरएमएस हमें गिवन है, ई आरएमएस को जेड से अगर डिवाइड कर लें, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस इज करंट, तो ई आरएमएस को आर से नहीं करना, एलआर सर्किट में रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, तो ई आरएमएस को जेड से डिवाइड किया तो आई आरएमएस, ई आरएमएस कितना है 240, और जेड क्या होता है एलआर सर्किट का आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा का होल स्क्वायर, आर पता है, एल भी पता है, ओमेगा 2.2 फ्रीक्वेंसी पता है, तो ये सॉल्व करके क्या जाएगा आई आरएमएस। इसकी कैलकुलेशन ग्रेविटेशन के चैप्टर को टक्कर देती हैं, कम नहीं है उससे ऊपर ही है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट सिर्फ यही चैप्टर करवाता है। एक तो डिनोमिनेटर है, डिवीजन है, ऊपर से अंडर रूट है, ऊपर से उसके अंदर स्क्वायर भी है, कॉम्प्लेक्स है, पर पेपर के अंदर वैल्यूज ऐसी आती हैं कि सिंपल कैलकुलेशन आती हैं, अभी तो मैंने खुद भी नहीं की हुई सच बताऊँ तो, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि आरएमएस करंट कैसे निकला, ये फॉर्मूला क्लियर है, राइट? आरएमएस करंट आ गया, हमने कौन सा करंट निकालना है, मैक्सिमम। आरएमएस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू, तो आई नॉट मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होगा, रूट टू इंटू आई आरएमएस, आई आरएमएस हम निकाल चुके हैं, सॉल्व कर लेना, आंसर कर दिया मैंने, सॉल्व नहीं किया, ठीक। और लास्ट पार्ट में ये भी निकालना है फेज डिफरेंस क्या है, टेन फाई का फॉर्मूला हमने एलसीआर में क्या किया था, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, एक्सी तो है नहीं इसमें, कैपेसिटर तो है नहीं, तो क्या बचा, एक्सएल बाय आर, एल ओमेगा बाय आर, तो एल पता है, ओमेगा इज 2.2 फ्रीक्वेंसी, और आर पता है, टेन फाइव फाइव, टेन इनवर्स में छोड़ देना जो भी आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, करेक्शन करो इस क्वेश्चन में, करेक्शन ये है, इंडक्टेंस क्वायल, इंडक्टेंस इंडक्टर है, हैज अ रिएक्टेंस नहीं करो, यहां लिखो इंपीडेंस, कट करके इंपीडेंस, राइट? अगर रिएक्टेंस होता तो ये क्या लेते, एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा, और हमने क्या निकालना है इसमें, एल, फिर तो दो मिनट का काम था, आप इसमें लिखो इंपीडेंस, इंपीडेंस का सिंबल क्या होगा, जेड, और फिर वो क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000, आगे वोल्टेज और करंट में एंगल कितना है 45, तो वोल्टेज और करंट में एंगल 45 का मतलब 545, इंपीडेंस एल आर सर्किट की, देखो क्वाइल है, एल भी होगा, एक्सएल भी होगा और आर भी होगा,
तो जेड का फॉर्मूला एल आर सर्किट में क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। पर क्योंकि टैन फाई का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्सएल बाई आर, क्योंकि कैपेसिटेंस तो है नहीं। टैन 45 क्या होता है, 1, तो एक्सएल किसके इक्वल आ गया, आर के। तो इम्पीडेंस का की वैल्यू 100 गिवन है, इम्पीडेंस में आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एक्सएल, क्योंकि आर और एक्सएल वन एंड दी सेम थिंग। क्या है पॉइंट, क्लियर है? यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, एक्सएल, एक्सएल आ गया, तो क्या आ गया, एल ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2π × फ्रीक्वेंसी, एल आ गया। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई एल की। ठीक, आगे चलें। ओके, अ सीरीज सर्किट कंटेन्स रेजिस्टर, रेजिस्टर का सिंबल इसमें क्या होगा, आर, और साथ में क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटर। साफ पता लग रहा है ये आरसी सर्किट होने वाला है। एंड इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 का मतलब कौन सी वोल्टेज है, वर्चुअल या आरएमएस, एक ही बात है, आरएमएस 50 हर्ट्ज समय के बने। रीडिंग ऑफ एम मीटर, वो कह रहे हैं एम मीटर रीड कर रहा है कि इसमें कितना करंट है, कितना करंट है, 2, और ये करंट कौन सा है, आरएमएस या वर्चुअल, एक ही बात है। तो वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ पता है, करंट पता है, तो टोटल ईएमएफ या वर्चुअल ईएमएफ या वर्चुअल करंट इज रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस को क्या नाम देंगे, जेड इंपीडेंस। तो डिवाइड करके ईएमएफ और करंट से हमें क्या मिलती है, इंपीडेंस। इंपीडेंस कितनी आ गई, 110। आरसी सर्किट की इंपीडेंस होती क्या है, ये होती है, तो एक्ससी क्या होता है, 1/C ओमेगा, नहीं तो हमें एक्ससी निकालना ही है वैसे तो जेड हमें पता है, आर हमें पता है, एक्ससी कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि उसने कहा क्या निकालना है, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब एक्ससी। मेथड समझ में आ रहा है कैसे किया, समझाऊं कि दिखाऊं, दिखाना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, नुपुर क्लियर है, कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है, इन टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब जैसे नेक्स्ट है, सर्किट कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखा उसने, रेजिस्टेंस, तो क्या गिवन है, आर, एंड कैपेसिटेंस, तो क्या गिवन है, सी, साथ में क्या गिवन है, ईएमएफ 100 वोल्ट, ये कौन सी ईएमएफ है, आरएमएस, फ्रीक्वेंसी पता है, कैलकुलेट करंट इन दिस सर्किट, कोई बोला ही नहीं कौन सा करंट है, तो कौन सा निकलेगा, आरएमएस, राइट। तो जो आरएमएस करंट है वो ईआरएमएस बाई क्या होगा, जेड, टोटल टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस होगी ना, तो क्योंकि आरसी सर्किट है तो इसकी इंपीडेंस लेनी पड़ेगी। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है आरसी का, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। एक्स सी क्या होता है, 1/C ओमेगा, आर पता है, सी पता है, ओमेगा में 2π × फ्रीक्वेंसी पता है,
निकाल लेना जो भी आएगा जेड, उसको उठा के इसके नीचे, और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैन बी कैलकुलेटेड। देखो क्या ये पॉइंट क्लियर है, मेरे ख्याल से सेट ही वीक था। देखो तो इसमें ये हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट इज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100, क्या वैल्यू गिवन है सी, एंड कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50, क्या गिवन है आर, एंड इंडक्टेंस एल, साफ पता लग रहा है कौन सा सर्किट है एल सी आर, और वोल्टेज कितनी है 110, तो ये कौन सी गिवन होगी ई आर एम एस, और फ्रीक्वेंसी 50। क्या निकालना है आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी भी बताया था आर एम एस करंट क्या होता है ई आर एम एस बाय जेड, तो पहले ई आर एम एस तो गिवन है इसमें 110, क्या निकालना पड़ेगा जेड, तो एल सी आर सर्किट का जेड क्या होता है ये रहा आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर, आर पता है एक्स एल क्या होता है एल ओमेगा, एक्स सी क्या होता है 1/c ओमेगा, आर पुट किया एल 2π × फ्रीक्वेंसी, लंबा क्वेश्चन है, जेड आएगा तो आंसर आएगा।
चले आगे, नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस, अ 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 101.5 मिली हेनरी इंडक्टेंस. कौन सा क्वेश्चन है ये? एल सी आर आर प्लेस्ड इन सीरीज, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50. क्या निकालनी है? कैलकुलेट दी कैपेसिटेंस इफ करंट इज ऑब्जर्व इन फेज विद वोल्टेज. तो फाई की वैल्यू इज 0. इन फेज का मतलब वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज. तो आर पता है, एल पता है, सी निकालना है, फ्रीक्वेंसी पता है. टेन फाई क्या होता है एल सी आर में? एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर. पर फाई तो 0 है, फाई 0 तो टेन 0 इज 0. टेन 0 का मतलब एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी. तो एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/c ओमेगा. सी कैन बी कैलकुलेटेड, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है. समझ आ रहा है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी. देखो उसने कहा फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं इसमें, वैसे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है. इसमें चेंज करेंगे 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज. कौन सी वोल्टेज गिवन है? ई आर एम एस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एल सी आर. कौन सा क्वेश्चन है ये? एल सी आर. कैलकुलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. ओमेगा कब, व्हेन या विच डराइव द सर्किट इन रेजोनेंस. हमने रेजोनेंस ने किया. मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ रेजोनेंस क्या होती है इसमें, फिर हम इसके बाद टॉपिक भी करेंगे आज रेजोनेंस का, पर न्यूमेरिकल में कैसे रेजोनेंस लगानी है ये मैं जरूर बता देता हूँ. देखो रेजोनेंस के अंदर देखो क्या करना है. आपके पास एल सी आर सर्किट है, ध्यान से सुन लो पहले फिर लिख लेना. एल सी आर सर्किट है, एल सी आर में एक एक्स एल है एक एक्स सी है. जो एक्स एल होता है वो एल ओमेगा होता है और जो एक्स सी होता है वो 1/c ओमेगा होता है, राइट. अब ओमेगा की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करता जाता हूँ, मेरी मर्जी है ओमेगा मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ मैं, तो एक्स एल की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन एक्स सी कम हो जाएगी. रेजिस्टेंस में फर्क पड़ता है यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर की. मान लो एक मिनट के लिए एक्स सी की वैल्यू 100 है और एक्स एल की वैल्यू अभी 10 है. आपने ओमेगा बढ़ाया, एक्स एल बढ़ता गया, एक्स सी कम होता गया. ओमेगा बढ़ रहा है तो एक्स सी कम हो रहा है, एक्स एल बढ़ रहा है, एक ऐसा टाइम आ गया जब एक्स एल और एक्स सी क्या हो गया? सेम. उसके बाद और ओमेगा बढ़ाओगे तो एक्स एल और बढ़ जाएगा, एक्स सी और कम हो जाएगा. बस एक ही बार ऐसा होगा जब दोनों की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? सेम. उस टर्म को बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो रेजोनेंस कंडीशन कब पाई जाती है एलसीआर में? जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाता है? एक्ससी. क्या पॉइंट क्लियर है? तो उसने कहा कि ओमेगा निकालो कब? एट रेजोनेंस. रेजोनेंस की कंडीशन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, एल ओमेगा इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज 1/lc, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ एलसी. एल पता है, सी पता है, ओमेगा आ जाएगा एक. पहला आंसर क्लियर है. और बी पार्ट में क्या निकालना है? इंपीडेंस. एलसीआर सर्किट की इंपीडेंस तो आपको आती है. एक और चीज सुन लो बड़ी इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस को लेके, ये देख लो एक बार फिर कर लेंगे. करंट जो होगा, जो करंट होगा एलसीआर में वो क्या होगा? ईएमएफ डिवाइडेड बाय
रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की जगह एलसीआर में क्या यूज करते हैं, इंपीडेंस। इंपीडेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, अगर कंडीशन रेजोनेंस की। रेजोनेंस में ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, तो ये डिनोमिनेटर में ये टर्म कैंसल, तो जेड जेड की वैल्यू होती क्या है वैसे, आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो रेजोनेंस पे ये टर्म जीरो का मतलब जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम, इससे छोटी नहीं हो सकती, बस जेड आर के इक्वल हो गया, राइट। तो याद रखना जब एल सी आर सीरीज में है और क्या कंडीशन हो गई, रेजोनेंस, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाती है, मिनिमम, और जब जेड आता है मिनिमम तो करंट क्या आता है पूरे सर्किट में, मैक्सिमम, ये याद रखना है, भूलना नहीं, राइट। तो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की वो कंडीशन याद है, रेजोनेंस पे होता क्या है, जेड क्या हो जाता है, मिनिमम, किसके इक्वल हो जाता है, आर के, बस आर के, और करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो रेजोनेंस की कंडीशन है जेड निकालना है, ये तो कैंसिल हो गया, तो जेड किसके इक्वल आ गया, आर के, राइट, ये भी क्लियर है। और लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है आई, आई की वैल्यू क्या होगी, ई डिवाइडेड बाय जेड या ई आर एम एस, राइट। तो जेड किसके इक्वल है, आर, जेड तो पहले मिनिमम है तो करंट अपने आप ही क्या आएगा, ज्यादा, तो जो भी आंसर आएगा वो सी पार्ट होगा। तो जेड की जगह क्या पुट कर देना है, आर, तो आपको एम्पलीट्यूड का मतलब वैल्यू बतानी है, करंट की क्या वैल्यू होगी, तो करंट की क्या वैल्यू होगी, जेड को क्या पुट करना है, आर। क्या ये पॉइंट समझ में आया कैसे करना है, आई आर एम एस होगा वो एम्पलीट्यूड, अपना भी मैक्सिमम हो जाएगा ना, क्योंकि जेड की वैल्यू इसमें मिनिमम है। हेलो, ओके, अगर ई की वैल्यू आर एम एस है तो करंट की वैल्यू भी आर एम एस ही रहेगी, वो एम्पलीट्यूड तो पूछा उसने, एक्चुअली आर एम एस की वैल्यू भी जेड पे डिपेंडेंट है, तो जेड की मिनिमम वैल्यू पे आर एम एस की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, हाँ वो आर एम एस वैल्यू आएगी। ज्यादा कन्फ्यूजन है ना, दोनों निकाला ना, आई आर एम एस भी आई नॉट भी, ये अभी टॉपिक करवाऊंगा रेजोनेंस का भी, ये न्यूमेरिकल के बाद रेजोनेंस का टॉपिक आ रहा है अभी, अभी बताऊंगा ये कैसे हुआ। हाँ मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस, बताता हूं, देखो अगर मैं यहां पर जेड को पूरा ये लेता हूं, ठीक है, जो पूरा लेता हूं जेड, रेजोनेंस नहीं लेता तो आई आर एम एस चेंज हो जाएगा, और अगर मैं आर लेता हूं तो आई आर एम एस मैक्सिमम हो जाएगा, तो वही उसका एम्पलीट्यूड है। ज्यादा कंफ्यूजन है, कुछ मत करो, आई नॉट निकाल लाओ साथ में, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में क्या प्रॉब्लम है, एक स्टेप एक्स्ट्रा ही है, आई आर एम एस भी हो गया, आई नॉट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम करंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर इसमें बस वो ये पूछ रहा है कि इसमें आर की वैल्यू जेड की वैल्यू मिनिमम करके करंट की वैल्यू पूछ रहा है। आई नॉट आ तो गया, पहले ई आई आर एम एस आएगा, आई आर एम एस इज आई नॉट बाय रूट टू, तो आई नॉट आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ओके, बाकी क्वेश्चन होमवर्क है, सेम है, तो ये मिनिमम पॉसिबल क्वेश्चन हैं एलसीआर के, जिसमें से मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा एलसीआर का, तो मुझे लगता है इससे एक आपको आइडिया हो गया, क्लियर है यहाँ तक। और लास्ट पार्ट ऑफ लेक्चर जिसमें कि वापस बुकलेट पे वापस आओ, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, पेज नंबर कौन सा बता दो, 175, ओके, ओके, देखो करें स्टार्ट ये टॉपिक, देखो
देखो सीरीज रेजोनेंस सर्किट आपने कर लिया, सीरीज का मतलब होता है एलसीआर किसमें माना हमने, सीरीज में, और रेजोनेंस क्या है अभी बताता हूं। वो ये बता रहा है कि सीरीज के अंदर, एलसीआर सीरीज के अंदर जेड का ये फॉर्मूला क्लियर, ओमेगा अगर हम बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, कैसी वैल्यू आएगी जब एक्सएल किसके इक्वल हो जाता है, एक्स सी के इक्वल हो जाता है, और जब एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो जाता है एल ओमेगा वन बाय सी ओमेगा हो जाता है, तो ओमेगा की वैल्यू वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी हो जाती है, आपकी बुक में ऑलरेडी करेक्टेड है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का की वैल्यू वन बाय टू पाई रूट एल सी, इस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जेड की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम, तो करंट क्या होता है, मैक्सिमम। बस क्लोज हो गया, हो गया टॉपिक क्लोज, कि इसने सिर्फ ये बताया कि रेजोनेंस के ऊपर सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम होती है। ये तो आता है आपको, कोई डाउट इसमें। अब हम बात करते हैं कि रेजोनेंस है क्या। ये ब्लू कलर की बुक सिर्फ एनसीईआरटी ही छापती है, आपको पता है ब्लू और ब्लैक, ठीक, तो अब से ही वॉल्यूम ये बीच में आता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, कि कुछ टॉपिक एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं और किसी बुक ने नहीं इतना एक्सप्लेन किया जो एनसीईआरटी है। तो मैंने बोला था ना वॉल्यूम टू में रेफर करता हूँ एंड तक एनसीईआरटी को, तो आपको मिलते रहेंगे, आए कोई भी करंट हो उसमें किसी भी टाइम पे, आप समझे नहीं, आई नॉट, अगर आई आरएमएस है तो भी तो बढ़ जाएगा ना अगर जेड कम हो गया तो, उस इंस्टेंट में जो भी होगा। ओके, तो मैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ डिटेल में, अब रेजोनेंस। रेजोनेंस एनसीईआरटी में इस तरीके से मेंशनड है, मैं एनसीईआरटी का कुछ कॉन्टेक्स्ट लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपके बोर्ड के एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आना ही आना है एक नंबर में, ये वाला, क्या कि कंपैरिजन ऑफ जो एसी सर्किट एलिमेंट, कैसे कहेगा, ग्राफ प्लॉट करो, किसका, रेजिस्टेंस का और फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस से कोई लेना देना है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है आर वाली, लेकिन एक्सएल का लेना देना है, एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा, तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। एक्स सी का भी है, एक्स सी इज वन बाय सी ओमेगा, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो ग्राफ क्या बनेगा, हाइपरबोला। तो क्वेश्चन आएगा कि ग्राफ बनाओ एक्स सी का ओमेगा के साथ या फ्रीक्वेंसी के साथ या एक्स एल का फ्रीक्वेंसी के साथ, ये तीनों ग्राफ में से एक ग्राफ आएगा, बना लोगे, अर्थ क्लियर है, तो पॉइंट सबको क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ठीक है, कंपेरिजन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी इन एल सी आर, अभी हमने डिस्कस किया सीरीज एल सी आर, हमने कहा कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है अगर ओमेगा बढ़ाते हो, और उस मैक्सिमम जो करंट जब आता है उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अब क्वेश्चन आएगा सीबीएसई या कॉम्पिटिशन में भी बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्या ग्राफ मार्क करो एलसीआर जब सीरीज में होगा करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या ग्राफ होगा, फ्रीक्वेंसी जब छोटी है तो उस केस में एक्स सी की वैल्यू बड़ी है एक्सएल छोटा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाएगा फिर अनइक्वल हो जाएगा जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो करंट की वैल्यू पहले कम है, एक ऐसी वैल्यू आएगी जब करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और ऐसा कब होगा, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, और फिर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे करंट फिर कम हो जाएगा, तो ग्राफ क्या बनता है इस एलसीआर में, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, क्लियर है यहां तक, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आपकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है तो एक्ससी बहुत बड़ा है, क्योंकि एक्ससी क्या होता है, वन बाय सी ओमेगा, अगर ओमेगा बहुत कम है तो एक्ससी बहुत बड़ा है, यानी कि कौन डोमिनेट करेगा, कैपेसिटेंस, क्योंकि एक्सएल तो छोटा हो जाएगा तो एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस हो गई तो एक्सएल एक्ससी क्या हो गया, बराबर हो गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई बहुत बढ़ती गई एक्सएल बढ़ गया, एक्सएल एल ओमेगा, ओमेगा बढ़ गया तो एक्सएल बढ़ गया, लेकिन एक्ससी क्या हो गया, छोटा, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले एक्ससी बड़ा होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्ससी एक्सएल के इक्वल होता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, एक्सएल बड़ा हो जाता है एक्ससी छोटा हो जाता है, तो ये ग्राफ क्लियर हो गया। तो लेफ्ट वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, सर्किट की इंपीडेंस क्या बोली जाती है, कैपेसिटिव है, कैपेसिटेंस का डोमिनेशन है, और रेजोनेंस के बाद क्या हो जाता है, इंपीडेंस जो है वो क्या हो जाती है, इंडक्टिव हो जाती है, यानी कि इंडक्टेंस का रोल ज्यादा हो जाता है, क्या ग्राफ भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें,
बेसिकली जब ये एलसीआर सीरीज का कर चल रहा है पूरा टॉपिक, एलसीआर सीरीज में करंट ऐसा बिहेवियर शो करता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट आ जाती है कब, जब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, रेजोनेंस ओमेगा आर। अब किसी ने ऑब्जर्व किया कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आई नॉट बाई रूट टू, ऐसा एक एलसीआर में दो बार हो सकता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन है तो भी करंट आई आरएमएस अचीव किया जा सकता है, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से बड़ी है तो भी आई आरएमएस अचीव किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां करंट की वैल्यू सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो यहां पर जो है ओमेगा वन और ओमेगा टू पे आरएमएस कैन बी अचीव्ड, क्लियर यहां तक? तो दो वैल्यूज अचीव की जा सकती है ओमेगा की, ये पॉइंट क्लियर है? अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, उस टर्म को क्या बोलते हैं एसी में, बैंडविड्थ। डेल्टा ओमेगा इज नोन एज बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ का फॉर्मूला एलसीआर में क्या होता है, आर डिवाइडेड बाय एल, राइट? लिख लो, एक नंबर भी क्वेश्चन है ये एसी में, व्हाट इज बैंडविड्थ, ड्राइव फॉर्मूला या फिर राइट फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ, तो या फिर बैंडविड्थ के ऊपर अगर एसी में आएगा तो ये प्लॉट करके ये डिस्कस करना है, राइट? कोई डाउट इसमें? हाँ, एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि ओमेगा वन की वैल्यू क्या थी, ओमेगा टू की वैल्यू क्या थी। अगर मेरे को वैल्यू पता होती, मैं डिफरेंस लेता, मेरा आंसर आता, डेरिवेशन देके तसल्ली हो जाती कि चलो ठीक हो गया। जिसको बहुत ज़्यादा देखना है, पूरी बुक्स में से सिर्फ एक ही किताब सॉल्व करती है इसे, कौन सी, एनसीईआरटी, ठीक, एचसीएल में नहीं करते, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की किताब में इसका प्रूफ है, कम से कम एक डेढ़ पेज का है, और वो कभी नहीं आता, राइट? और वो कोई भी नहीं करवाता, बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्वाड्रेटिक ले लेके बहुत जबरदस्त तरीके से सॉल्व की है, जरूरत नहीं है, लेकिन एंड रिजल्ट वो बताता है कि ये बैंडविड्थ है, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी पढ़ोगे, मेरे पास लेके आओगे सर इतनी भी डेरिवेशन, वो आ नहीं सकती, या तो मैं देखते ही समझ में आ जाएगा, इतनी भी डेरिवेशन अगर एनसीईआरटी देगा तो फिर मेंस और आईआईटी क्या देंगे, ठीक? मतलब सच में कॉम्प्लेक्स, अगर आसान होती तो मैं छोड़ता भी ना, मैं करवा भी देता, मेरा जाता भी क्या था, ठीक? मतलब अननेसेसरी बर्डन है मेरे हिसाब से। तो ये याद रहेगा, फॉर्मूला याद जरूर कर लेना प्लीज, और ये मतलब समझ लेना बैंडविड्थ कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट? आगे क्वालिटी फैक्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एक ये सब एक एक नंबर के सीरीज है। क्वालिटी फैक्टर एलसीआर में, क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है कि एलसीआर में जो सिग्नल पास होगा करंट का, उसकी क्वालिटी क्या होगी। क्वालिटी का मतलब होता है कि एनर्जी उस सिग्नल में कितनी होगी डिवाइडेड बाय जब वो ट्रेवल कर गया या जब वो पास कर रहा है उसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा। जितनी हाई एनर्जी होगी सिग्नल उतना ही बढ़िया माना जाता है। लो सिग्नल, लो एनर्जी सिग्नल अगर रेडियो में भी सुना जाए तो नॉइज आती है, शोर मचता है, राइट? तो एनर्जी अगर ज्यादा होगी क्वालिटी कम हो जाएगी, और लॉस अगर ज्यादा होगा क्वालिटी कम हो जाएगी। तो क्वालिटी फैक्टर को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है एक टर्म। और ये कहां काम आती है क्वालिटी फैक्टर, वैसे बता दूं सिग्नल्स की आइडेंटिफिकेशन में। जैसे मेरे पास चार सिग्नल आ रहे हैं एक ही चीज के, रेडियो सिग्नल आ रहे हैं चार आ रहे हैं, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सिग्नल मैं सिलेक्ट करूं। मैं बढ़िया से बढ़िया, मेरी मशीन जो होगी वो बढ़िया से बढ़िया सिग्नल सिलेक्ट करेगी। पहला तरीका सुन के देख लेते हैं, मशीन क्या सुनेगी, वो तो ह्यूमन सुनेगा, मशीन तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू से कैलकुलेट कर देगी। वो क्या करेगी, सिग्नल का, पहले सिग्नल का क्वालिटी फैक्टर निकालेगी। मान लो क्वालिटी फैक्टर आ गया 10, दूसरे का 8, नेक्स्ट का 6, नेक्स्ट का 4, जिसका 10 आ गया हाई क्वालिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेगी, बाकी को फिल्टर कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो मशीन जो होती हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली वो इस तरीके से डिसाइड करती हैं कि क्वालिटी फैक्टर एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हैं सिग्नल की, और वहां से डिसाइड कर देती हैं कि क्वालिटी कैसी होगी। ये वहां काम आता है। ये इसकी एप्लीकेशन क्या है, रेडियो कम्युनिकेशन। हम जो रेडियो सेट सुनते हैं 92.7, रेडियो कैसे बनता है उसका एक आइडिया देता हूं मैं आपको। रेडियो काम कैसे करता है, बनता कैसे तो पता नहीं, काम कैसे करता है, क्लियर यहां तक? अब ये टर्म यूज करूंगा मैं। तो मान लो आपके पास क्या आ रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, जैसे 92.7 आ रहा है, 93.2 कुछ भी जो रेडियो सुनते रहते हो आप, वो बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। तो रेडियो जब 92.7 सिलेक्ट करते हो, यार गाना 92.7 का ही आता है, 93 वालों का नहीं आता, वो कैसे रेडियो डिसाइड करता है, जबकि सुन तो रेडियो सारी वेव्स रहा है, रेडियो के पास तो सारी वेव्स कैच हो रही है, उसका एंटीना हर कोई सिग्नल कैच कर रहा है, वो एक ही सुनाएगा जो आपकी मर्जी का होगा, बाकी रिजेक्ट हो जाएगा। वो उसमें रेडियो में लगा होता है एलसीआर इन सीरीज, ये लगा होता है। होता क्या है, सिग्नल आ रहे हैं, आपने दबाया 92.7, तो 92.7 के कॉरस्पॉन्डिंगली
उसको समझ में आ गया, आपने इंस्ट्रक्शन दी उसे 92.7 का ही रेडियो चैनल आना चाहिए। अब उसके बाद तो बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, वो ना ग्राफ प्लॉट कर लेता है पावर का, पावर का या करंट का, एक ही बात है, करंट जब ज़्यादा होता है ना तो पावर भी ज़्यादा होती है, पावर का और फ्रीक्वेंसी का। तो सारे ग्राफ ऐसे बन जाते हैं 92.7 पे, मतलब आपने 92.7 पे रेजोनेंस करवाई बेसिकली। तो आप क्या करवाते हो, 92.7 को ट्यून करते हो, ट्यून का मतलब उसको रेजोनेंस में सेट करते हो। तो जिसकी 92.7 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो उतना ही पीक वैल्यू ऑफ करंट शो कर देगा, जिसकी नहीं होगी पीक नहीं शो करेगा। अब रेडियो को ये समझ में आ जाएगा कि जो 92.7 का सिग्नल आ रहा है उसका करंट एकदम हाई हो गया उस वैल्यू पे, रेजोनेंस पे, इसका मतलब वो सेलेक्ट कर लो, बाकी मशीन क्या कर देगी, फिल्टर कर देगी, रिजेक्ट करती जाएगी। तो वही गाना आता रहेगा 92.7 का जो आपने ट्यून किया, बाकी ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा। तो मशीन क्या कर रही है, मशीन LCR में पास कर रही है सभी सिग्नल्स को, कोई ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, जिसका करंट सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब वो हमारे मतलब क्या है, उसकी क्वालिटी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी फैक्टर को एक्सप्लेन किया जा सकता है बैंडविड्थ की हेल्प से। बैंडविड्थ समझ गया, डेल्टा ओमेगा जो था। तो क्वालिटी फैक्टर इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अगर बैंडविड्थ से डिवाइड करते हैं LCR की तो क्वालिटी फैक्टर आ जाता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, R/L, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√LC। तो यहां पर जब पुट करेंगे 1/√LC और सिंप्लीफाई करेंगे, करके देख लो, यहां पर जो वैल्यू आई ये कितनी आ गई, LR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√LC, 1/R, अंडर रूट के अंदर L चला गया तो L² बन गया, चेक करो आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला आएगा किसका, क्वालिटी फैक्टर का। क्वेश्चन आएगा राइट द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर, या पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर मींस क्वालिटी फैक्टर, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर, ये क्या सिग्निफिकेंस है, जिसका सिग्नल का क्वालिटी फैक्टर हाई होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा और बाकी सब, या वो सेलेक्ट हो जाएगा बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल, ये एक नंबर में। दो नंबर में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्वेश्चन सेम ही रहते होते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर पहले फर्स्ट डेफिनेशन, फिर एक ग्राफ बनाओ, बैंडविड्थ बताओ क्या होती है, फिर बताओ क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ, सेकंड डेफिनेशन, फिर ग्राफ बनाया, फिर ये भी बता दो कि जिसकी बैंडविड्थ कम है, देखो इसकी बैंडविड्थ कम है, डिफरेंस कम होगा, बैंडविड्थ कम है, उसका करंट हमेशा, देखो जो ऊंचा जाएगा वो इधर से कम हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली इसकी बैंडविड्थ कम है तो इसकी पावर ज्यादा है, तो ये सिग्नल सेलेक्ट हो जाएगा और बाकी सिग्नल रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा, इसकी क्वालिटी सबसे कम, और इसकी उससे भी कम, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, बैंडविड्थ पे, इसकी बैंडविड्थ कम है, और अगर इसकी बैंडविड्थ कम है तो इसकी क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। तो जितना पीक वैल्यू हाई होगा, याद रखना उसकी क्यू वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3, तो कौन सेलेक्ट होगा, Q1 सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्टिविटी Q1 की ज्यादा होगी, फिर Q2 की होगी, और फिर Q3 की होगी। पर्पस समझ में आया यहां तक, रेजोनेंस है उसकी, बाकियों की नहीं हुई रेजोनेंस, उसकी हो गई, हाँ तो उसके आई मैक्सिमम हो जाएगा, अभी डिस्कस किया हमने, सबकी थोड़ी ना होगी, 92.7 वालों की होगी, बाकियों की नहीं हुई, तो वो पीक शो कर देगा, बाकी पीक शो नहीं करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस पे करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। अभी बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल सीन में बताऊंगा, रुको। तो ये सब करने के बाद वापस NCERT पे आते हैं, देखो उसने क्या लिखा, बड़ी काम की चीज लिखी, उसने कहा ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ, ये कुछ नहीं है, ये आपने कुछ नहीं पढ़ना, वो मैं बता चुका हूँ, आपने ये पढ़ना है, रेजोनेंट सर्किट हैव अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल इन द ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो और टीवी, टीवी और रेडियो कैसे काम करते हैं, तो द एंटीना ऑफ रेडियो एक्सेप्ट्स द सिग्नल फ्रॉम मेनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, एक एंटीना बहुत सारे सिग्नल कैच करता है, द सिग्नल पिक्ड अप बाय द एंटीना एक्ट्स एज अ सोर्स इन द ट्यूनिंग सर्किट ऑफ द रेडियो, तो सिग्नल जो आप उसने कैच किया वही उसका सोर्स ऑफ जो है करंट है, करंट क्या जा रहा है, जो एंटीना कैच करेगा वो LCR में भेज देगा, राइट।
सो द सर्किट कैन बी ड्रिवन एट मेनी फ्रीक्वेंसी. अब हर कोई सिग्नल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो सर्किट तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चल पड़ा, 92.7 हर्ट्ज पे चल पड़ा, 93. किसी और उस पे चल पड़ा, ये सब फ्रीक्वेंसीज ही तो होती हैं. बट टू हेयर वन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन, मेरे को तो 92.7 ही सुनना है. वी ट्यून द रेडियो, बटन दबाते हैं. इन ट्यूनिंग वी वेरी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो LCR की कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है. हम क्या करते हैं जब ट्यून करते हैं ना, उसकी कैपेसिटेंस चेंज करते हैं. सच दैट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट बिकम नियरली इक्वल टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड. मतलब कि हम ये चाहते हैं कि कैपेसिटेंस ऐसी चेंज हो कि हमारी जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी हो वो 92.7 के साथ मैच कर जाए. और अगर ऐसा हो जाता है, व्हेन दिस हैपेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल ऑफ द पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इन द सर्किट इज मैक्सिमम. वो कह रहा होता क्या है, जैसी ट्यूनिंग हो जाती है कि मैं तो 92.7 पे ही रेजोनेंस चाहता हूं, तो 92.7 का जब सिग्नल आता है वो मैक्सिमम करंट शो करता है, बाकी जब सिग्नल जाते हैं वो मैक्सिमम करंट शो नहीं करते, क्योंकि 92.7 हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है. तो 92.7 का जो करंट आएगा वो मैक्सिमम करंट शो करेगा और बाकी नहीं करेंगे. तो रेडियो को पता लग जाएगा कि ये जो है लिसनर क्या सुनना चाहता है, 92.7 को करंट उसका मैक्सिमम है, बाकियों को ऑटो रिजेक्ट कर देगा, वो फिल्टर कर देगा. इस तरीके से रेडियो काम करता है. और दूसरी चीज इसमें एंड में लिखा हुआ है, अगर आप एक रेडियो बनाना चाहते हो ठीक, तो उस केस में L एंड C बोथ शुड बी प्रेजेंट. क्यों? क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, XL इज इक्वल टू XC. अगर एक L या C नहीं रहेगा तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, इसलिए दोनों का होना जरूरी है. पॉइंट समझ में आया कि किस तरीके से लिखा जाता है इसे और कहां काम आएगा ये LCR सर्किट. क्यू वैल्यू निकालने की एक और, क्यू वैल्यू निकालने का एक और तरीका भी है. क्वालिटी वैल्यू निकालने का पहला तरीका, दो तरीके तो मैं बता चुका हूं, एनर्जी वाला और बैंडविड्थ वाला. तीसरा तरीका, वोल्टेज अक्रॉस L और C. जब LCR सर्किट था तो वोल्टेज कितनी थी, IXL, और वोल्टेज कैपेसिटर में कितनी थी, IXC, डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन R. R में वोल्टेज कितनी है, IR और IR. तो I से I कैंसल, XL इज L ओमेगा, XC इज 1/C ओमेगा. पर ओमेगा क्या होता है, 1/√LC. तो इस वैल्यू को ओमेगा की जगह पुट करो, ओमेगा की जगह 1/√LC. इसमें भी वन, ये ओमेगा डिनोमिनेटर में था, तो 1/√LC. जब सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा जो हमने बैंडविड्थ वाले तरीके से निकाला था. वैसे मेरे को बैंडविड्थ वाला तरीका ज़्यादा बेटर लगता है, उसमें ना थोड़ा टेक्निकल लगता है, बच्चा पढ़ के आया है, ये तो रट्टा सा लगता है कि ये डिवाइड बाई डिवाइड कर तो आंसर आ जाएगा, पता नहीं कैसे आया. तो वो थोड़ा लगता है कि हाँ आपने पूरा सीखा LCR, बैंडविड्थ को समझा और फिर आपने रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी निकाली. तो मुझे लगता है इस मेथड की जगह वही मेथड सही है जो मैंने लिखा हुआ है. एक मेथड कर लो कोई भी, राइट. और पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है, देखो जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है उसमें यह बताया गया L और C आपस में किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल. पैरेलल के अंदर अगर I करंट आया तो कुछ किसमें जाएगा, IL में, और कुछ किसमें जाएगा, IC में. चला गया. तो टोटल करंट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, IL प्लस IC. पहला स्टेप क्लियर है, IL प्लस IC. इंडक्टर को याद करो, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पीछे होता है बाय एन एंगल ऑफ π/2, और कैपेसिटर में करंट आगे होता है बाय एन एंगल ऑफ π/2, क्योंकि EMF हमने अप्लाई की E0 साइन ओमेगा टी, जो दोनों में एग्जैक्टली सेम होगी, क्योंकि ये आपस में किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल. तो EMF तो सेम होगी, पर करंट सेम नहीं होगा, करंट एक में पीछे होगा एक में आगे होगा. और I नॉट की जगह यहाँ पर क्या होगा, E0 बाई XL, क्योंकि IL है इंडक्टर में, EMF बाय रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, और कैपेसिटर में I नॉट की जगह E0 बाय XC. ये क्वेश्चन समझ में आई कैसे लिखी, I नॉट दोनों में सेम नहीं होगा, इसमें E0 बाय XL होगा और कैपेसिटर में E0 बाय XC होगा, राइट. यहाँ तक क्लियर है, ठीक. तो यहाँ से मैथ्स लगाएंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी क्या होता है, कॉस. ई नॉट कॉस बाहर आ गया, ये टर्म बच गई. अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो, XL किसे कैंसिल कर जाएगा, XC, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो. सीरीज में रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है,
पैरेलल में रेजोनेंस में करंट जीरो होता है. तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा अगर एल सी आर में एल और सी पैरेलल में हो, ग्राफ प्लॉट करो करंट का और फ्रीक्वेंसी का. तो ग्राफ कैसे करेंगे, पहले करंट ज्यादा था, रेजोनेंस पे आते 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 करंट क्या हो गया, जीरो, और फिर बढ़ गया. तो सीरीज में पीक ऐसे आता है, पैरेलल में उल्टा आता है. ग्राफ याद रहेगा, ग्राफ आएगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, जीरो. जीरो सीरीज में मैक्सिमम और पैरेलल में जीरो. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ग्राफ मैंने बनाया हुआ है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 pi √LC. ये टॉपिक क्लियर है यहां तक. और लास्ट टॉपिक है एवरेज पावर. एवरेज पावर हार्डली तीन टॉपिक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से अगर थोड़ा सा भी मैथ ध्यान से अगर आप करोगे 3 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, बस इतना ही है. एवरेज पावर हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं समझ लो, हम एवरेज पावर किस में कैलकुलेट कर रहे हैं पहले ये समझ लो. सबसे पहले अकेली रेजिस्टर में रेजिस्टेंस लेके आर लेके मैं ईएमएफ अप्लाई करूंगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ईएमएफ चेंज करूंगा तो उसमें करंट भी चेंज होगा तो पावर भी क्या होगी, चेंज होगी. तो एक साइकिल में एवरेज पावर का मतलब टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम. जैसे हमने ईएमएफ की एवरेज वैल्यू निकाली, करंट की एवरेज वैल्यू निकाली, अब हम पावर की एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं. किसमें, पहला रेजिस्टर में, दूसरा इंडक्टर में, तीसरा कैपेसिटर में, चौथा एलसीआर में. चार टॉपिक हो गए. सबसे पहले किसमें निकलेगी, रेजिस्टर में, क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज, ई नॉट साइन ओमेगा टी. तो रेजिस्टर में करंट कैसे चेंज होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट. ईएमएफ भी चेंज हो रही है, करंट भी चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस है, तो पावर भी चेंज होगी. तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, dW/dt, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वर्ड में कैलकुलस आ जाता है. तो स्मॉल वर्क डन बाय स्मॉल टाइम, फॉर्मूला क्या होगा, ई इंटू आई. ई की जगह क्या पुट करें, ई नॉट साइन ओमेगा टी. आई की जगह क्या पुट करें, आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो dW/dt इसके इक्वल आ गया. हमने क्या निकालना है, टोटल एवरेज पावर. एवरेज पावर का मतलब टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम. हमारे पास स्मॉल वर्क डन आया, हमने टोटल वर्क डन निकालना है. डीटी को राइट साइड पे ले जाओ तो डीडब्ल्यू की ये वैल्यू आ गई, डीडब्ल्यू की वैल्यू आ गई. टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों साइड्स को क्या करें, इंटीग्रेट. कहां से कहां तक, एक साइकिल में टाइम कितना लगता है, कैपिटल टी. तो एवरेज पावर T/2 पे ही निकलती, टी पे निकलती है. तो जीरो से टी इंटीग्रेट करें, ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया. मैंने आपको याद करवाया है पहले लेक्चर में, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन जीरो से टी क्या देगी, T/2. आपको आगे इंटीग्रेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट मारो. टोटल वर्क डन इज ई नॉट आई नॉट T/2. टोटल वर्क डन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम इज एवरेज पावर. तो राइट, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, टोटल वर्क डन E नॉट I नॉट by 2 into T, या वर्क डन by टाइम इज इक्वल टू E नॉट by √2 into I नॉट by √2. टोटल वर्क डन टोटल टाइम क्या होती है, एवरेज पावर. एवरेज पावर का एक्सप्रेशन बोलो फाइनली क्या आ गया, ERMS into I RMS, या E वर्चुअल into I वर्चुअल. क्या ये प्रूव हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं किया, dW/dt E into I, इंटीग्रेट किया, एक मिनट में आंसर आ गया. ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सेम चीज किस में निकालनी है, इंडक्टर. इंडक्टर में अगर वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट की वैल्यू पीछे होती है बाय एन एंगल ऑफ 90. डन. इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस करंट, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी. ई चेंज हो रहा है, आई चेंज हो रहा है. इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, ई इंटू आई. ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी. ई और आई की जगह पुट कर दें, ये टर्म आ गई. तो डी टी राइट पे गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया स्मॉल टाइम में. ये स्टेप क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इंटीग्रेट करें जीरो से टी, ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया, टोटल वर्क डन डब्ल्यू आएगा. मेडिकल के लोग देख लें इसकी इंटीग्रेशन मैथ्स में कैसे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड,
ताकि ये फॉर्मूला 2 साइन कॉस किस में कन्वर्ट हो जाए, साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर है? नॉन मेडिकल वालों को तो क्लियर है। शॉर्टकट कुछ नहीं करना, साइन ऑफ जो मर्जी एंगल हो, जीरो से टी आंसर हमेशा क्या देता है? जीरो। साइन स्क्वायर नहीं है, साइन है, तो साइन की इंटीग्रेशन या कॉस की इंटीग्रेशन जीरो से टी क्या देगी? जीरो। तो एवरेज टोटल वर्क डन क्या आ गया? जीरो। तो एवरेज पावर भी क्या आ गई? जीरो। खत्म हो गया, ये बीच के स्टेप दिखाने नहीं है, सीधा जीरो, खत्म हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और एवरेज पावर किसमें? कैपेसिटर। बोलो, कैपेसिटर की इक्वेशन इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट में करंट आगे होता है बाय एन एंगल ऑफ 90, तो साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी इज कॉस। ई आ गया तुषार, ई आ गया, आई आ गया। इंस्टेंटेनियस पावर ए इंटू आई, ई की जगह आई की जगह वैल्यू पुट की, डी टी राइट साइड पे चला गया, ये तो सेम हो गया, पिछले एक्सप्रेशन में माइनस था, इसमें माइनस ही तो है, माइनस नहीं है, बाकी तो सेम है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए जीरो से टी इंटीग्रेट, इसकी इंटीग्रेशन अगेन टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, तो सेम टर्म, और इसका आंसर फिर से क्या आएगा? जीरो। तो एवरेज पावर कैपेसिटर में भी सीधी क्या आ जाएगी? जीरो। तो एवरेज पावर रेजिस्टर में कितनी आई? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इंडक्टर में कितनी आई? जीरो। कैपेसिटर में कितनी आई? जीरो। स्टेप समझ में आ रहा है? और लास्ट है एवरेज पावर इन एल सी आर। एल सी आर के अंदर बस एक ही चीज याद रखनी है आपने, प्लीज बात नहीं करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज पावर आती हैं, और एक ही जो स्टेप देखने वाला है, बड़े ध्यान से देखो उसे। तो एल सी आर में ये करंट था, और आपको याद होगा ये नेट वोल्टेज थी, जब मैंने ये डायग्राम बनाया था वी एल माइनस वी सी वाला, ये वाला एल सी आर में हमने पैरेललोग्राम से सॉल्व किया था एल सी आर। तो मैंने आपको ये बताया था कि ई एम एफ नेट वोल्टेज आगे होती है करंट से बाय एन एंगल ऑफ फाइ। एल सी आर में ये जो एंगल बना था पैरेललोग्राम में क्या बना था? फाइ। करंट तो यहीं पर है, तो नेट वोल्टेज आगे थी करंट से बाय एन एंगल ऑफ फाइ। ये पॉइंट क्लियर है? या उल्टा बोलें, करंट पीछे है ई एम एफ से बाय एंगल ऑफ फाइ। 90 नहीं होता, फाइ होता है एल सी आर में। तो इसीलिए अगर मैं एल सी आर की ई एम एफ की इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखता हूं, तो मैंने एज्यूम किया था वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, तो मेरे डायग्राम के हिसाब से ई एम एफ आगे थी फाइ, मेरे डायग्राम के हिसाब से ई एम एफ आगे चल रही है बाय फाइ, या करंट पीछे चल रहा है बाय फाइ, तो करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ओमेगा टी माइनस फाइ, जो ये शो कर रहा है कि करंट ई एम एफ से क्या चल रहा है? पीछे चल रहा है। ये इक्वेशन बनानी आ रही है, इधर से देख लो, ये आपका एल सी आर था, देखो इधर ये डायग्राम था एल सी आर का, यही था ना, ये करंट है, नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज करंट से आगे है बाय एन एंगल ऑफ फाइ, या करंट वोल्टेज से पीछे है बाय एन एंगल ऑफ फाइ, राइट? समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसीलिए ईएमएफ की जो इक्वेशन है, हमने अगर ली ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की इक्वेशन क्या ली? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वाई। इक्वेशन बनानी आ गई, मेन तो इक्वेशन ये है, उसके बाद तो स्टेप सेम है, डी डब्ल्यू बाई डी टी ई इंटू आई, ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आई टू, और डी टी राइट साइड पर चला गया, करेक्शन कर लेना, डी टी हटा लो यहाँ से, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। क्लियर? तो इसमें फाइव इज अ कॉन्स्टेंट, प्लीज बोलो। हाँ हाँ, प्लस फाइव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करंट आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो इसके अंदर ध्यान से देख लेना, स्पेशली मेडिकल वाले लोग, साइन ऑफ ए माइनस बी यूज हो रहा है, और मेडिकल में साइन ऑफ, सॉरी मेडिकल क्या, नॉन मेडिकल, मैथ्स में साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। और लास्ट स्टेप ध्यान से, साइन ओमेगा टी को प्लीज बात नहीं करना, आगे ध्यान आगे, ध्यान आगे, साइन ओमेगा टी को इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और साइन इंटू कॉस ऐसी रख लेंगे ये रहा, और कॉन्स्टेंट बाहर आएंगे, तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? साइन स्क्वायर हो गया, इस स्टेप को छोड़ दो, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया,
साइन इंटू कॉस इंटू साइन फाई, ये ऐसे रख लिया क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ। कॉन्स्टेंट बाहर आएंगे इसमें, इसमें कॉस फाई बाहर आएगा और इसमें साइन फाई बाहर आ जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी कॉस फाई साइन फाई। इसका आंसर सीधा लिखना है कितना, टी बाई टू, और ये तो भी सॉल्व कर ही लिया, इसका आंसर जीरो होता है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, ई नॉट आई नॉट, टी नीचे चला गया, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, टू को लिखो रूट टू इंटू रूट टू, ये रहा टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब ये तो मेरा तरीका है, एनसीईआरटी का तरीका सिंपल ये कहता है दो इक्वेशन लिखो, इससे आसान नहीं है, सबसे ये जिंदगी का पहला काम है जो एनसीईआरटी वालों ने बिल्कुल सही किया। ये कहते हैं कि देखो करंट की, कहां गया करंट की इक्वेशन लिखो, वोल्टेज की इक्वेशन लिखो और सीधा लिख दो आंसर आ गया ई वी इंटू आई वी इंटू कॉस वाई, खत्म हो गया, बीच के स्टेप्स ही नहीं दिखाए उसने। कहते हैं ठीक है डन, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट दिस टर्म, इससे बढ़िया क्या होगा। तो ये जो मैंने करवाया सिर्फ आपको दिखाने के लिए करवाया, पेपर में आ जाए तो एक काम कर लेना, तीन नंबर में आएगा। नॉन मेडिकल वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कर ही देंगे पूरा, बाकी अगर मेडिकल को दिक्कत है तो एनसीईआरटी वाले भी ऐसे करते हैं। आप दो इक्वेशन लिखें ईएमएफ की करंट की, लिख दी, और उसके बाद दो स्टेप दिखाएं डी डब्ल्यू बाई डी टी ई वी इंटू आई वी, जैसे किया ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम इज ई वी आई वी कॉस फाई। अगर बाई चांस भूल जाते हो तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि जब आपकी किताब ही ऐसे कर रही है तो किसी को क्या कहेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? और एक लाइन और, जो इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है एक कंप्लीट साइकिल में, उसकी एवरेज वैल्यू क्या आई थी, जीरो जीरो। एक नंबर में और क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हाट इज द वॉटलेस करंट, आइडल करंट या वॉटलेस करंट डिफाइन करो एसी में क्या होता है। आइडल या वॉटलेस करंट वो होता है जो इंडक्टर और कैपेसिटर में जब हम पास करते हैं जिसकी एवरेज वैल्यू क्या आती है, जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस। जब पावर की वैल्यू क्या हो जाती है, पावर कंज्यूम्ड उसकी जीरो हो जाती है जब वो पास करते हैं फॉर अ कंप्लीट साइकिल, उस करंट को क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट, राइट। और मैथमेटिकली जब वॉटलेस करंट आएगा तो प्लीज एक काम और कर लेना, मुझे पता नहीं कौन से पेज पे ये डायग्राम बना हुआ है, ये देखो ये वाला 188, उसमें ना ये भी डायग्राम जरूर बना के आना, क्या कई बार न्यूमेरिकल में भी काम आ जाता है। मान लो ये आपकी, इधर देखो, इधर पुलकित, ये ईएमएफ का वेक्टर है, ये करंट का वेक्टर है, मान लो इनके बीच में एंगल कितना है, फाई, एलसीआर सर्किट में एंगल फाई होता है। करंट वेक्टर के अगर दो कंपोनेंट्स लें तो एक कंपोनेंट कॉस आएगा और एक साइन आएगा, लिख लिया। जब ईएमएफ और करंट में एंगल 90 होता है तो हमने देखा उसकी एवरेज पावर जीरो आती है, जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर में तो आंसर जीरो आता है। तो ईएमएफ ने इस करंट के कंपोनेंट के साथ एंगल क्या बनाया, 90, तो इसके साथ जब पावर निकलेगी इसकी तो एवरेज पावर क्या आएगी, जीरो, लेकिन इसके साथ नहीं आएगी क्योंकि ये वाला कंपोनेंट के साथ जा रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है तो ये पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉटलेस करंट, तो आंसर क्या आएगा, आई आर एम एस साइन फाई। तो क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉटलेस करंट, तो आपने क्या कहना है, वो करंट का कंपोनेंट जो ईएमएफ के साथ कितना एंगल बनाता है, 90, वो पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करता, आंसर। क्लियर यहां तक? ठीक। और पावर फैक्टर लास्ट, एक सिर्फ दिखाना है, सिर्फ कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं खत्म हो जाएगा जब तक आप रिक्वेस्ट करोगे। पावर फैक्टर में एलसीआर में एवरेज पावर क्या आई, ईवी आईवी कॉस फाई, याद रखना। इस पावर को बोलते हैं ट्रू पावर, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं वर्चुअल या अपरेंट पावर, और कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। इंपॉर्टेंट मार्क करो, पावर फैक्टर पे न्यूमेरिकल आते हैं, पावर फैक्टर। और मैंने आपको इंपीडेंस ट्राइंगल बताया था, इंपीडेंस ट्राइंगल याद है, आर जेड, और ये क्या था, एक्स एल माइनस एक्स सी, इसके अंदर कॉस फाई क्या होगा बोलो, आर बाय जेड, यही होगा कॉस फाई। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर फैक्टर। आपको ना एल गिवन होगा, आर और सी और ओमेगा सब गिवन होगा,
कहेगा पावर फैक्टर निकालो, लोग दोगे ना पावर देखनी शुरू कर देंगे, अरे भाई पावर फैक्टर तो कॉस फाई होता है, तो आप ट्राइंगल के अंदर आर बाय जेड करना, पावर फैक्टर मिलेगा। मैं अगली बार रिवाइज भी करवा दूंगा, यहाँ तक क्लियर है? इसी के साथ आपका ए सी क्या होता है, खत्म, ठीक। और एक लास्ट क्वेश्चन ही करवा रहा, नेक्स्ट टाइम जब आओगे आपका टेस्ट होगा 15 मिनट का गारंटेड, इतनी तेज मैं भागूंगा नहीं। पहला टॉपिक उसमें होगा ट्रांसफॉर्मर और एसी डायनमो, एक क्वेश्चन पक्का उसमें से, और बाकी एसी का जितना भी हमने काम किया, एक सब्जेक्टिव शीट की आज और जो थ्योरी की, इसमें से तीन क्वेश्चन दूंगा, एक न्यूमेरिकल दूंगा और दो क्वेश्चन दूंगा जब तक थ्योरी की। तो ये प्लीज ट्यूजडे को हर कोई करके आएगा, 100% टेस्ट होगा पूरे एसी का, थ्योरी वाइज एनसीईआरटी का और ट्रांसफॉर्मर डायनमो का। ये कल छुट्टी।